एक और बेहतरीन क्वेश्चन ट्रायंगल का हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर PQ पैरेलल है BC के। इस फिगर में PQ लाइन जो है वो BC लाइन के पैरेलल है, और साथ ही हमें यह बात प्रूव करके दिखा देना है कि इसका AD जो है मीडियन है। मीडियन जो होता है वो साइड को क्या करता है, दो पार्ट में बांटता है। ये साइड को दो पार्ट में बांट रहा है, AD मीडियन है, तो हमें यह भी बता देना है यह भी इसका क्या है, मीडियन है। या बोल सकते हैं कि यह एक मिड पॉइंट है PQ का, ठीक है। AD जो है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, चलो इसका नाम कुछ दे दे तो अच्छा ही रहेगा। यानी P इज इक्वल टू EQ में बात प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में बहुत बड़ा चीज है। ये क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता है, इन ए ट्रायंगल ABC P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड PQ रिस्पेक्टिवली। मतलब AB पर P पॉइंट है जबकि AC पर Q पॉइंट है। और हमें प्रूव ये भी करना, ये भी दिया हुआ है कि PQ लाइन पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना है क्या चीज, कि AD जो है बाइसेक्ट करता है कि इसको PQ के दो बराबर भाग में बांटता है। तो हमें दिया हुआ है, तो ये बात तुम लोग सेम ये बात यहां तक तुम लोगों को लिख देना है। गिवन में यही बात लिखना है, जो कि DYS कर लेना, डू योरसेल्फ, यही चीज लिखना है यहाँ पे। और हमें जो प्रूव करना है वह टर्म क्या है, प्रूव दैट, जो हमें सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है कि AD इज बाइसेक्टर, ठीक है, मीडियन AD इज बाइसेक्टर PQ। यह बात हमें प्रूव करना है, मीडियन AD बाइसेक्ट PQ। या इसको लिखता है बहुत कोई ये भी बात कि PE इज इक्वल टू EQ, तब भी गलत नहीं लिखा, ये भी लिख सकता है। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण, तो प्रूफ के तौर पे हम लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल, इसी के साथ वाला ट्रायंगल जो है ए बी डी में। ये दोनों ट्रायंगल में तुम लोगों को एक चीज जरूर दिखा होगा कि यहां गिवन था क्या कि पी क्यू जो है वह पैरेलल है बीसी के। जब पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो बोल सकते हैं क्या चीज कि पीई भी पैरेलल होगा किसके, बीडी के, उसी का एक पार्ट है। तो जब यह पैरेलल है तो हालांकि ये जब बात पैरेलल हो जाता है ना तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, ऐसे भी हम लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा अगर नहीं भी कुछ करते। तो जब यह लाइन के पैरेलल हम लोग थ्योरम लगा सकते हैं 6.1 भी कि AP बाई BP इज इक्वल टू AE बाई ED के, यह भी बात बोल सकते हैं, मजा आएगा, वो भी कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या बोल सकते हैं थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम जान रहे कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बोलेंगे क्या चीज, AP बाई BP इज इक्वल टू AE बाई ED। ये बोल करके बहुत खुश हो जाएंगे, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि हम लोग ये बात, हम लोग लाना क्या है, डिमांड में है P, है ना। तो हम इससे ना चल करके हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच क्या होगा देखो, क्या लगाते हैं हम लोग। तो हम ये दोनों ट्रायंगल में चल रहे थे और यह बात से हम लोग यह जानने की कोशिश की कि ये एंगल के इक्वल होगा, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो बोल पाएंगे छोटा सा ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल पाएंगे, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी। और कैसा एंगल है ये, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ये, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, समझ आ रहा बात। दूसरा बात एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो यह बात हम लोग लिख सकते हैं कि यह एंगल जो है कॉमन है। तो दो एंगल मिल गया है, तीसरा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तो बोल सकते हैं डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जिसका नाम क्या है ए पी ई, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी डी के, समझ आ रहा बात पक्का। डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये साइड बाई ये, देखो लेने का तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं, कि बोल सकते हैं कि AP बाई AB इज इक्वल टू, बोलने का बोल सकते हैं हम लोग AE बाई AD, बोलने का हम बोल सकते हैं PE बाई BD के, इतना बात बोल सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट किस चीज का, ध्यान समझना, रिक्वायरमेंट है PE का, कि PE बराबर लाना है EQ के, यानी कि हम लोग ये ले सकते हैं, कहा गया PE ये ले सकते हैं हम, यहां से ये ले सकते हैं और ये लेंगे, क्यों, क्योंकि यह बात कॉमन आने वाला है उधर वाले ट्रायंगल में भी। तो हम ले पाएंगे क्या चीज यहां पर से, AE बाई
ED इज इक्वल टू क्या ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे, EQ बाय DC के, यह बात हम लोग लेकर के, सॉरी उधर कहां चले गए हम लोग, इधर ना, क्या है इसका नाम P बाय BD के, समझ में आ रहा बात, इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल AEQ एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल में तुम लोग क्या देख पा रहे हो, ध्यान से, यहां भी देख पाएंगे हम कि EQ जो होगा वह पैरेलल होगा किसके, DC के होगा ना पैरेलल, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं ये एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, और यह भी एंगल क्या है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है यह दोनों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा क्या देख पा रहे हैं कि एंगल A यहां भी क्या है, कॉमन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यह क्या है कॉमन है, ठीक है, तो यहां भी हम बोल सकते हैं डबल ए सिमिलरिटी से, ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कौन सा ट्रायंगल में चले थे, जो ट्रायंगल चले थे वही तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, AEQ सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ADC के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, तो यहां भी हम बोल पाएंगे वही सब बात कि AE बाई AD इज इक्वल टू, यानी खरा बट्टे खरा बराबर परा बट्टा परा परा इज इक्वल टू आरा तिरछा, अब बट्टा आरा तिरछा कौन है इसका, ये सी, लेकिन रिक्वायरमेंट जिसका होगा वही लेंगे हम लोग, तो रिक्वायरमेंट यहां से भी हम लोग क्या ले पाएंगे, ध्यान देना, रिक्वायरमेंट था AE बाई AD जो है कॉमन पार्ट है, तो ये ले लिए हम लोग AE बाई AD ले लिए, इज इक्वल टू परा का डिमांड था, परा का ये बराबर ये लाना था, तो बोल सकते हैं क्या चीज EQ बाई DC ले सकते हैं, EQ बाई DC ये इक्वेशन इसे मान लिया हम लोग सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बात आ गया, ध्यान से देखो, ये यहां ED ना होगा और यहां AE होगा, AE बाई ED सही है ना, AD होगा, अच्छा हमको सिखा रही है, AD होगा है ना, AE बाई AD यहाँ भी AE बाई AD है, AE बाई क्या है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, AD है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये टर्म और ये टर्म सेम दिख गया, यानी कि क्या आ गया, PE by BD is equal to EQ by DC के, यही ना आ गया, अब देखो D इसका मिड पॉइंट है, हम लोग जान रहे हैं ये बात, क्योंकि क्या जान रहे हैं हम लोग कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है, तो बोल सकते हैं हम लोग कि BD इज इक्वल टू DC, BD जब इज इक्वल टू है DC के, तो BD की जगह DC पुट करो या DC की जगह BD पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी क्वेश्चन मान लो क्या है, ये थर्ड है, इसी क्वेश्चन मान लो फोर्थ है, तो बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं बात कि PE बाय BD इज इक्वल टू EQ बाय DC की जगह क्या डाल देंगे लोग, BD डाल दिया, BD से BD हो गया कैंसिल, यानी कि PE इज इक्वल टू आ गया EQ, यही बात हमें प्रूव करना था, तो यह बात हो जाता है प्रूव, या बोल सकते हैं हम लोग यह भी बात है, हेंस यही लिख सकते हैं कि मीडियन AD इज ए बाइसेक्स, जैसे लिखा वही लिखना, कोई दिक्कत नहीं, कहानी लिखना है AD मीडियन AD बाइसेक्स PQ, ठीक है, यह बात हो जाता है प्रूव, चलो इसको कर लो, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।